हेलो दोस्तों, फॉरएवर यूनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पिछले दिनों जो बैन को संबंधित लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही थी, कई प्रकार की गतिविधियां यूपी में हुई, अभी वहां से एक पॉजिटिव खबर निकल कर ये आ रही है कि यूपी में जो है फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस फैसले पर रोक लगा दी है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं यूपी से जिनके माध्यम से जानकारी मेरे पास आई है, तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं एक छोटी सफलता सही पर एक जीत तो हम लोगों की है। दोस्तों, दूसरा बैन को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा, अभी मैंने विजिट किया था झारखंड गिरिडीह, और यहाँ पर जो साउंड यूनियन है, साउंड एसोसिएशन है, यहाँ पर जाकर मैंने समय बिताया, लोगों से मिला, बातचीत मैंने करी है। यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आई है दोस्तों, संगठन में इतनी बड़ी ताकत है कि यहाँ पर इस तरीके की कोई समस्या नहीं है, ना ही पुलिस वालों की कोई समस्या है और ना ही दूसरी कोई समस्या है। दोस्तों, तो एकजुटता और संगठन में इतनी शक्ति है और क्या क्या शक्ति हो सकती है ये मैंने दोस्तों गिरिडीह में जा करके देखा। तो आइए पहले गिरिडीह के कुछ चंद पल जो मैंने बिताए उनके बारे में आपको थोड़ा सा दिखा दूं, और स्पेशली गिरिडीह से मैं रामजी प्रसाद का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस योग्य समझा हमें कि वहाँ बुलाया एसोसिएशन की मीटिंग में। दोस्तों, संपूर्ण वीडियो तो दिखा पाना मुश्किल है, काफ़ी लंबा वीडियो है, कुछ झलक जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। गिरिडीह की इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं, और आप लोगों के इस जागरूकता अभियान को देखकर सच में मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है। काफ़ी सारा, लगभग आधा देश घूमने के बाद इतनी जनसंख्या में लोग अगर मैंने कहीं देखे हैं साउंड एसोसिएशन में, तो वो इस गिरिडीह का साउंड एसोसिएशन है। तो एक बार तालियां चाहूँगा आप लोगों से खुद के लिए, प्लीज़। ओके, व्यक्तिगत रूप से तो मैं यहाँ पर नहीं जानता हूँ सारे लोगों को, लेकिन यहाँ के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। जो जानकारी लेना एक बार कृपया बैठ जाए आप लोग यहाँ पे, ये आपको टेक्निकल जानकारी यहाँ से देंगे, बहुत ही जानकार व्यक्ति है। हेलो लाल, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, उम्मीद है कि आप लोग मुझे जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते तो प्लीज यूट्यूब पर आप फॉरएवर यूनिक ओपन कीजिए, ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा। ओके, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने के लिए आती है, आप लोग विजिल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं ना सभी लोग, कार्यक्रम चलता रहता है, विजिल आती रहती है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना, और इसको रोकने के क्या उपाय हैं। ठीक है, चलिए। दोस्तों, गिरिडीह जाकर मुझे एक बात स्पेशली समझ में आई कि अगर आप लोग एकजुट होते हैं, संगठित होते हैं और सब लोग एक साथ शक्ति लगाकर आवाज़ देंगे तो ज़रूर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, गिरिडीह में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छा संगठन है, मजबूत संगठन है, और इसी कारण से यहाँ पर इस तरीके की परेशानियाँ नहीं आती हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त ज़रूर होती है दोस्तों कि आपको जो भी काम करना है वो नियम और कानून के दायरे में रहकर करना है। अगर आप कानून के दायरे में रहकर अपना साउंड का काम करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आने वाली है। यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में होना चाहिए। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि किसी को क्षति हो, हानि हो, तो ज़रूरी है कि हम लोग अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें। तो ये एक छोटा सा संदेश है मेरी तरफ से कि आप लोग एकजुट हों, संगठित हों, आवाज़ को मजबूत करें और आगे बढ़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, यूपी में भी लगभग जिस तरीके से संगठन बन रहे हैं और जिस तरीके से आगे वो लोग एकजुट होकर बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ इसका ठोस निष्कर्ष निकल कर जरूर आएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को बैन से बचना है, इन सब चीज़ों से बचना है, तो ये एक छोटा सा उपाय है जिससे आप लोग, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग संगठित होते हैं तो इसका मजा ही कुछ और है। दोस्तों,
दोस्तों रिसेंटली हमारा परिवार 1 लाख लोगों का हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के संघर्ष के बिना, आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चीज़ होना इम्पॉसिबल थी। इसी कारण मुझे लगा कि अगर हम लोगों को खुशी जाहिर करनी ही है, कोई सेलिब्रेशन करना ही है, तो क्यों ना आप लोगों के बीच में जाकर किया जाए। इसी वजह से मैं झारखंड गिरिडीह गया था और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला वहाँ के लोगों से, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सराहा है हमारे काम को, तो उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। स्पेशली मैं रामजी प्रसाद को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस योग्य समझा कि हम वहाँ जाने की काबिलियत रखते हैं और जाकर 2 शब्द कहने की भी काबिलियत रखते हैं। काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रिसेंटली गरबा नाइट्स वगैरह नवरात्रि में आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो मैं वीडियोस नहीं कर सका, लेकिन अभी हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जैसे जो भी टेक्निकल वीडियो में देने का प्रयास आपको करूँगा। उम्मीद है कि फॉरएवर यूनिक पर आप इसी तरह से बने रहेंगे, आप लोगों का प्यार बना रहेगा, तो जल्दी से ठोकिए 1 लाइक और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलता हूँ अगले किसी अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।